आई एम फील वेरी एक्साइटेड बिकॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद मतलब फुटबॉल एक्टिविटी अगेन स्टार्ट हुआ. ये बहुत ही खुशाइन बात है पाकिस्तान फुटबॉल के लिए भी और फुटबॉल प्लेयर्स के लिए भी. आफ्टर लॉन्ग टाइम अच्छा न्यू मॉडल वर्ल्ड कप मॉडल पे स्टार्ट हुआ है नेशनल चैलेंज कप और 28 टीम्स आए. सो वेरी गुड कंपटीशन एंड कुछ न्यू टीम्स आए अकेडमी बेस्ड लाइक फोपो हो गया और दूसरे अदर टीम्स. इज अ गुड साइन फॉर फुटबॉल पाकिस्तान. बिकॉज एक तो उनके साथ प्रोफेशनल कोचेस काम कर रहे हैं और जितने कम्पिटेटिव और अच्छे कोचेज होंगे इतना क्वालिटी ऑफ फुटबॉल होगा हमारा. बिकॉज मेरी जो अपनी कोशिश होती है एज ए टीम में अपने टीम को मतलब लीड कर रहा हूँ एज ए कैप्टन, तो मेरी हमेशा ये कोशिश है कि अपने टीम के साथ हर हमारे प्लेयर्स टुगेदर होके जो है ना बेस्ट टू बेस्ट दे अपने, क्योंकि हम प्रीवियस चैलेंज कप के रनर अप है. सो और फर्स्ट टारगेट यही है कि हम अपने जो टारगेट को जो है अचीव कर सकें. बिकॉज हमने अपना माइंड मेकअप किया है और प्लस तो हमारा ये है जो कि हम प्रीवियस टारगेट को अचीव करें ना, तो राउंड ऑफ 16 में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ गए. 2 मैच हमारे अच्छे मार्जिन से हुए हैं. इंशाल्लाह वी आर कमिंग ऑन आवर मतलब कि अपने पोजीशन को गेट करने के लिए जाए. इट वॉज गुड. कुछ नई चीज़ें हैं जैसे लाइव कवरेज है, माइक ऐप का जो लाइव कवरेज है ये काफ़ी अच्छा है. बिकॉज हमारे फैंस देखना चाहते हैं कि हमारी अपनी फुटबॉल की स्टैंडर्ड क्या है और हमारे प्लेयर्स किस तरह अपने नेशनल चैलेंज कप में खेलते हैं. इट्स वेरी गुड साइन कि वीडियो कवरेज आया है. थैंक यू.